हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSSB पोस्ट कोड 99/20 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, जो कि फी कलेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का, ठीक है, इन सब का यहाँ पे ये पोस्ट कोड है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगा एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड के मेरे हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, फैक्ट रखूँ, ऐसे नहीं है, धूल में लट नहीं चलाऊँ। आप भी अपनी ओपिनियन देना चाहे तो नीचे दे सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं फैक्ट रखूँ उससे आप अग्री करेंगे, नहीं करेंगे तो नीचे कमेंट दे देना आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आगे का प्रोसेस, टाइपिंग है या नहीं, कुछ भी नहीं पता, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा, जाके जरूर देख लेना। उसमें मैंने ये भी बताया कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, जो एक अलग है थोड़ा सा, ठीक है, वो भी आप देख लेना। तो अब चलते हैं यहाँ पे वीडियो में। तो वीडियो में यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है। पहले मैं यहाँ पे कुछ अपने फैक्ट रखता हूँ। देखो अभी आपको पता है, इस टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो DSSSB के यहाँ पे कुछ टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं। किसके टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं? 65/14 का हो गया है, 21/18 का भी हो चुका है, ठीक है, इस टाइम आज के दिन 51/13 का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। अभी कुछ और पेंडिंग पोस्ट है जिनका मतलब फाइनली यहाँ पे मार्च तक हो जाएगा, मार्च तक मतलब पूरे मार्च या फिर मिड अप्रैल तक यहाँ पे सारे खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जहाँ तक मार्च में ही खत्म हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, देखो पहले DSSSB इन पर इसलिए ध्यान दे रहा है क्योंकि आपको पता है ये पोस्ट काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो जो इनके बच्चे थे, जो इनके कैंडिडेट थे, मतलब इन पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने एग्जाम दे दिया था, उनका क्या था, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है 2013 की वैकेंसी है तो प्रोटेस्ट सभी करेंगे, ठीक है, उनके पेपर वगैरह भी हो गए। तो अगर आप DSS अभी यूट्यूब पर डालोगे प्रोटेस्ट तो सबसे ऊपर आ जाएगा, DSSSB 51/13 प्रो, तो बहुत बच्चे गए थे। तो वहाँ पे जाके पहले उन्होंने क्या करा, इन्हें निमटा दिया, मतलब इन्हें यहाँ पे मार्च में ये सारा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद DSSSB पे कोई यहाँ पे प्रेशर तो रहेगा नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे भाई अप्रैल में अगर देखो कभी भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, हम मान लेते हैं मिड अप्रैल तक जो ये आपका क्या नाम है DSSSB फ्री हो जाएगा इन बाकी पोस्टों से, ठीक है। अब सारे एग्जाम भी ले रहे हैं भाई, ऐसा भी नहीं है भाई, अगर COVID-19 वैसे अब तो जहाँ तक है अब कुछ लॉकडाउन वगैरह तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ऐसा तो है नहीं, पर फिर भी अगर इसको तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि अभी वैक्सीन भी आ गई है, वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो एग्जाम आपका जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये भाई मिड अप्रैल तक हो गया, सब एग्जाम भी ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब DSSSB बना कर दे अब हम एग्जाम नहीं ले रहे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि हमने अब यहाँ पे मानो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन में कम से कम हमें 10 से 15 दिन का टाइम जरूर मिलेगा। सपोज़ अगर 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, सपोज़ एक्सपेक्टेड, मतलब बिल्कुल सोच सोचने वाली बात है, तो आपको यानी कि 15 दिन मिलेंगे, यानी कि फिर आपका एग्ज़ाम मई में होगा अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रही है, मतलब ये मान लो आपका टिल मई और जून तक, मतलब जून एक लास्ट मान लो, मेरे हिसाब से जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ इसका पक्का आपको पता चल जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, जून तक नोटिफिकेशन हो जाए आ जाएगा, ठीक है, वैसे मतलब एग्ज़ाम ही हो जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन तो कंफर्म है क्योंकि DSSSB इतना होल्ड नहीं करेगा। इसके काफ़ी सारे कैंडिडेट मैंने अपनी वीडियो में बताए भी कितने फॉर्म भरे गए, तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट तो मेरे हिसाब से यार होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ये भी एक, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको आज की इस वीडियो में कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, फिर भी कुछ भी पूछना हो या मुझे भी कुछ बताना हो तुम्हें, तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।